वैशाली जिले के मदरना पंचायत में बीते दिनों विनोद कुमार की पत्नी रूबी देवी के ऊपर तेजाब फेंके जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस कांड में आरोपित देवेंद्र शर्मा तथा जगदेव विश्वकर्मा ने कहा कि इस मामले में विनोद कुमार की पत्नी रूबी देवी के द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है। जिस दिन का यह मामला है उस दिन हम लोग अपने घर पर थे और जिस जगह का घटना बताई जा रही है उस जगह का कोई लोग इस घटना को नहीं देखा है, जबकि उस जगह पर दिन भर गाड़ियों तथा स्थानीय लोगों का आना जाना लगा रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने विनोद कुमार पर आरोप लगाया कि विनोद कुमार अपने पत्नी रूबी देवी के साथ मिलकर गांव के कई लोगों से जमीनी विवाद में पहले अवैध तरीके से पैसे का डिमांड करते हैं और पैसा नहीं देने पर छेड़छाड़ जैसे कई झूठे संगीन आरोप लगा देते हैं। वह गाँव के कई लोगों पर इस तरीके के झूठा मुकदमा कर चुके हैं। इससे पहले भी पैसे के लेन देन के विवाद में उनके बेटे के द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति पर मुकदमा किया गया था, जिसमें बेटा ने आरोप लगाया था कि उक्त लोगों के द्वारा उसके मां रूबी देवी की ब्लाउज फाड़ दी गई तथा उसे अर्धनग्न कर दी गई है तथा बाद में मामले को रफा दफा भी कर दिया जाता है। वहीं तेजाब कांड में स्थानीय लोगों ने बताया कि विनोद कुमार के द्वारा सरासर गलत मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके विरुद्ध स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय लोग विनोद कुमार के खिलाफ वैशाली एसपी से मिलकर मामले की जांच कर विनोद कुमार पर ही मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई करने का आवेदन देंगे। तो देखिए क्या बता रहे हैं स्थानीय लोग। 18 मई को आप पे आरोप लगा है कि आप कोई विनोद कुमार हैं, उनके पत्नी के ऊपर तेजाब फेंक दिए हैं, क्या मामला है? हम तो तेजाब फेंके नहीं, सब लोग ने देखा, हमारा तो जेब में कोई तेजाब था ही नहीं। हम इतना बूढ़ा आदमी हो गए, हमको उतना तबियत बराबर था, कभी ऐसा करने वाले हैं नहीं, और गलत आरोप लगा के हमको ऐसा कर रहे हैं। मतलब आप पे गलत आरोप क्यों लगाएंगे, वो क्या कारण है? जमीन के विवाद के लेकर, जमीन में कई एक बार क्या विवाद है उनको, वो कि जमीन हमारा 10 डिसमल हमारे पास है, 10 डिसमल उनके पास है, वो बिक्री कर दे पांचों भाई मिल के और 10 डिसमल हमारा जमीन पर करना चाहते हैं, जो हमसे लाख रुपया मांगते हैं। कौन मांगते हैं? विनोद चौधरी, विनोद जायसवाल उल्फ पप्पू चौधरी। मतलब 1 लाख रुपया किस लिए मांगते हैं, क्या एवज? हमारा जमीन पे थी मुआवजा दो। उनका जमीन है उसमें नहीं है, इससे संबंधित कहीं कोर्ट में केस वगैरह किए थे? हाँ किए थे हमने। तो क्या वहाँ से 44 वहाँ से 44 के हमको वहाँ से डिग्री मिल गया हाजीपुर से, आपके पक्ष में? हाँ पक्ष में डिग्री मिल गया, वो पेपर है हमारे पास। उसके बाद भी पैसा? हाँ उसके बाद भी क्या, उसके बाद हमको वो धमकी दिया, फिर वैशाली से पुलिस भगाया, फिर हमको रोक दिया कि हमारा सामने में आकर हम छोटा उठा करेंगे, माफ़ी करेंगे। माफ़ी के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है ब्लॉक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी पैसा भी ऑनलाइन जमा कर दिया गया। FIR में वो आरोप लगाए हैं कि एक आप और एक आपके कोई साथी हैं देवेंद्र शर्मा, उनके द्वारा उसके साथ पहले मारपीट किया गया, देवेंद्र शर्मा उस औरत को झोंटा पकड़ के पटक दिए और फिर आप तेजाब पॉकेट से निकाल के उसके पीठ पे डाल दिए थे। यदि हम तेजाब लेके जाते हैं, ये हम इस उम्र में हम करते तो तेजाब से मेरा जेब नहीं जल जाता? ज़रूरी नहीं कि जेब जलेगा ही। वैसे आप उस दिन थे कहाँ पे? मैं उस दिन पर घर पर नहीं था। घर पे थे? उनसे कोई मुलाकात हुई थी क्या? नहीं। क्या मामला है तेजाब कांड का? तेजाब फेंकने का आरोप लगा था, उसमें आपका भी नाम दिया गया है। हमको तो कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं था। मतलब कैसे? मुखिया जी बताया कि ऐसे ऐसे केस वालू निकला हुआ है आपके ऊपर। मुखिया जी बताया? आपको पता नहीं था? नहीं। कहा जा रहा है कि आप जो विनोद जायसवाल हैं उनकी पत्नी का झूठा पकड़ के गिरा दिए थे, उनके साथ गाली गलौज किए थे, सब गलत आ रहा है उसका, सब लोग। आप उस दिन थे कहाँ? हमें तो काम करते हैं, दुकान है तो। कहाँ दुकान है? यही दुकान, मोटर पंखा का मामूली सा लेबर का काम करते हैं। इसी जगह? जी। और आपको पता नहीं चला कि कब घटना हुई है? कोई आदमी का भी समाज का पता नहीं। पुलिस आया था जाँच करने? नहीं, हमारे पास नहीं आया। आपके पास नहीं है? आप तो एक्यूज हैं, तो आप लोग अब आगे क्या कर रहे हैं? मतलब आप पे तो FIR हो गई है, तो आगे क्या कीजिएगा? आगे तो वही पुलिस जो चाहेगा वही सच्चाई, समाज जो चाहेगा सच्चाई को निकालेगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई का झूठा है आरोप। कोई विवाद पहले से भी चल रहा था? अबे पहले से विवाद तो वही चचा का जमीन पर चल रहा था, हमको कहा कि पैसा दिवाइए, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपया दिवाइए चाचा से।
बोलो जो हम छोड़ देंगे, केस उस नहीं करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। अच्छा। परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग चाचा को नहीं कहे देने के लिए, तो उसके बदले में हमको भी नाम गलत रूप से फंसा दिए। अच्छा, पत्नी पे जो आरोप लगाया है ब्लाउज फाड़ देने का कि हमारी पत्नी की ब्लाउज फाड़ दिए हैं, झोटा पकड़ के लसा रहे हैं, यहाँ पे आए हैं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले से भी वो कई लोगों पे मुकदमा किए हुए हैं, क्या मामला है इसका? वो सब झूठा केस सब पर करता है, ऐसे ही पैसा वसूलने के लिए उसका धंधे यही है, पैसा है, मतलब पैसा वसूलने का। हाँ, पैसा वसूलने का केस करके। ये 18 मई को देवेंद्र शर्मा और जगदेव विश्वकर्मा पे आरोप लगा है कि उनके द्वारा विनोद जायसवाल हैं उनके पत्नी पे तेजाब फेंक दिया गया है, इसी जगह आगे जो पुल है उस पे। ऐसा कुछ देखे थे या सुने थे आप? ना, नहीं सुने ना, थे आप लोग तो थे वहाँ पे? हाँ, मुंह तो रहे थे, मुंह तो रहे थे। तो ऐसा कोई हल्ला गुल्ला नहीं सुना? वो जो आरोप लगा रहे हैं सो आरोप रहे थे ये लोग के, उनका गलती है, ऐसा आदमी थोड़े ही लोग से ऐसे बात हो। आप दोनों आदमी थे वहाँ? हाँ। क्या नाम है आपका? शैली देवी। आपका क्या नाम है? शैली देवी। आप लोग वहाँ मुंह तोड़ रहे हैं? हाँ। आपसे भी विनोद जायसवाल का झगड़ा हुआ था क्या कभी? वो 10 वर्ष पहले कहानी हुआ था, मतलब क्या पैसा हुआ? जैसे जमीन नहीं निकलता था उसका। अच्छा। जमीन बराबर लेकर के 32,000 रुपया हम दिए थे। किस लिए दिए थे? जमीन पर, हम पर बच्ची को शादी था, धमकाया उकाया था, थाना पुलिस आया तो जो ऐसे हम दे दिए, लोग कहा तो दे दिए। धमकी क्या दिए थे वो? मालूम हमारे जमीन में बसा हुआ है। अच्छा, जमीन किसका था? जमीन हमारा था, रजिस्ट्री किया हुआ था। अच्छा, उससे कराए हुए थे। तो उसके एवज में क्या किया? एवज में 30,000 रुपया दे करके मैंने उस पर केस किया था। केस पर जो है हम लोग कहा था ठीक है 23 मीटर हो जाएगा, तो हमसे कहा था 50,000 रुपये तक, 32,000 रुपया फाइनल किया। 32,000 रुपया जब थाना पुलिस आया था तो उसे हकीकत बताए थे कि नहीं? बताए थे, फिर भी आपको पैसा देना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? बिजनाथ सर। जगदेव विश्वकर्मा है और एक देवेंद्र शर्मा है, उनके ऊपर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया गया है कि विनोद जायसवाल हैं उनकी पत्नी पे तेजाब फेंक दिए हैं, क्या मामला है? आप लोग यहाँ स्थानीय हैं, इस प्रकार की हल्ला वगैरह सुने थे क्या? नहीं, हम तो कल परसों से सुन रहे हैं, जो मुखिया जी के मार्फत चारों लोग सब लोग को जानकारी हुआ है। वो तो 420 आदमी है, पप्पू जायसवाल के नाम से वो प्रसिद्ध है। आज हम लोग जान रहे हैं जो विनोद उसका नाम है। मतलब क्या इससे पहले भी किसी वगैरह? वो जमीन का हमेशा झंझट उखाड़ रहता है, चारों बगल सब लोग के यहाँ पैसा के लिए दौड़ता है। मतलब जमीन उसका होता हुआ तभी तो? जमीन अभी रहेगा तभी दूसरे को जो लिख दिया उसके एवज में भी प्रेशर बना के पैसा लेता है, इसका रिकॉर्ड है। अच्छा, कई अन्य लोगों पर भी मुकदमा करने का यहाँ लोग बता रहे हैं, क्या मामला है? सही बात है, जो सब मतलब जो सबको झूठा आरोप में फंसाता है। किस प्रकार के आरोप लगाते हैं? मनु धमकाने का वो आरोप लगाता है, बोलता है जो हम बदमाश है। क्या नाम होगा? सुबोध रंजन। अब विनोद जायसवाल के द्वारा ये केस किया गया है कि उनकी पत्नी पे तेजाब फेंक दिया गया है, क्या मामला है? ये गलत बात है, झूठ बात है। कुछ लोग बता रहे हैं कि विनोद जायसवाल जो हैं उनके द्वारा अक्सर हर लोगों के साथ इसी प्रकार हाँ, किसी नए आदमी पर केस किया है, ऐसे कांड केस का किया है, उसका पैसा है, पैसा कमाने का। एक दो लोगों को आप जानते हैं जिनको उनका? हाँ, विनोद चौधरी पर केस किया है, भरत चौधरी के, शंकर चौधरी पर केस किया है। ये जो जितना मकान बन रहा है जमीन वह उसी का बाप दादा लिखे हुए हैं, और सबसे पैसा ठगता है। किस लिए है? किसमें निकल रहा है 10 धूर, इसमें निकल रहा है 5 धूर है, उसका बाप दादा लेके चला गया, मर गया, तो उससे संबंधित दस्तावेज तो दिखाता होगा ना कि उसका? हाँ, लेकिन दस्तावेज में वो फेल हो जाता है, फिर भी पैसा। लेकिन लोग भी यहाँ माने मजबूरी में घर बना रहा है, तो मजबूरी में लंद फंद करे, घर झगड़ा करने के लिए ख्याल से माने वो अपना पैसा दे देते हैं कुछ माने चुप्पे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ जगदीश चौधरी। यहाँ पे 18 मई को तेजाब फेंकने की बात आई थी सामने, FIR भी हुई है, क्या हकीकत है, कुछ जानकारी है? यहाँ घर है आपका ना? मेरा यहीं पे घर है, मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ, यहीं पे 200 मीटर के आसपास में पुल है। कहाँ पे है? यहीं पे इधर साइड है। अच्छा, थोड़ा आगे सामने है। सामने। अच्छा, और बताया गया है कि वहीं पे ये घटना हुई है, और ये रास्ता जो है वो दिन भर ऐसे ही चालू रहता है, बहुत सारा गाड़ी आते जाते रहता है। लेकिन ऐसा घटना होता अगर किसी पे तेजाब गिरे तो वो आदमी शांति से चुपचाप निकल जाएगा इस रास्ते से, ऐसी घटना होगी तो वो
यहाँ से जाएगी तो बहुत सारे घर यहाँ आस पास है, आदमी आते जाता रहता है, सबको पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ किसी को पता नहीं चला। और ये केस बाद में सबको पता चला कि अचानक से ऐसा हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने तो आया होगा ना? इन्वेस्टिगेशन करने आया या नहीं आया ये नहीं पता, लेकिन ये गांव समाज से पता चला है कि उनसे कोई पूछ पाछ नहीं हुआ है, जानकारी नहीं ली गई है।